हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके अकाउंट्स टॉपिक के। कुछ ईश्वर ने बोला था कि अकाउंट्स पे भी कुछ आप वीडियो बनाइए, किस तरीके से उसका प्रिपरेशन करना है। तो अकाउंट्स की जब हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन आपके MCQs हैं आपके, ये तो कॉमन है, हर एग्जाम में आपको सेम दिख रहा है, 50 मार्क्स का 50 MCQs। MCQs जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले हैं वही आपको करना है। जो भी आप पब्लिकेशन, जिस भी पब्लिकेशन से आप पढ़ रहे हो उसके पीछे वाले कॉन्सेप्ट से ही, मतलब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका बनेगा। 4 यूनिट है, मतलब 4 टॉपिक ही आपके, चारों टॉपिक से एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इजिली आपका बन जाएगा। मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे। बट MCQs वो बच्चों का इजी हो जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा टॉपिक्स को पढ़ा है। जैसे जिस स्टूडेंट ने टॉपिक पढ़ा रहेगा तो उसको ऑलरेडी के साथ उसका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होगा। थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको दोनों चीज़ है तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। MCQs आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो, जस्ट एक बार रीड करोगे आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। बट जो स्टूडेंट ने अभी तक कोई प्रिपरेशन ही नहीं किया है, कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन ही नहीं किया है, तो उनको क्या करना, देखो अब चारों टॉपिक कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे इजी लग रहा है वो है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड रहेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कौन सा आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। कंसाइनमेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूँ, 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा कंसाइनमेंट का ही रहेगा। दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन कवर करने हैं। तो इसमें से देखो, एक तो सिंपल जो फिक्स है क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट वाला आपका आता है, क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वाला कॉन्सेप्ट। मतलब ये टाइप के सम आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, चांसेस एकदम ज़्यादा रहते हैं। और अदरवाइज सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखो इधर सिंपल एंड अगर क्लोजिंग स्टॉक में से अगर ऑप्शन आया, सिंपल एंड क्लोजिंग में आया, तो मोस्टली पब्लिक सिंपल ही करेगी, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट वाला नहीं करेगी। या फिर पॉसिबल ऐसा है कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी आपको दिख जाए, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी दिख जाए, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला सम आना कंपलसरी है, क्लोजिंग स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट आना कंपलसरी है। तो इस टाइप के सम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना सबसे पहले आप। चारों टॉपिक में आप देखोगे सबसे ईजी में सबसे ईजी जो कॉन्सेप्ट आता है कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें आपको कंसाइनमेंट अकाउंट आता है प्रिपरेशन करने के लिए। एंड कंसाइन अकाउंट मैक्सिमम बोला जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइन अकाउंट दो चीज़ बोला जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। जब ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो कंसाइनमेंट अकाउंट, तो जो इसकी थ्योरी वाला पार्ट है वो भी आपको कर लेना है। थ्योरी पार्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, एक ये थ्योरी पूछा जाता है। अदरवाइज इसमें 2 टाइप के कमीशन आपको दिखते हैं, कमीशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो कंसाइनमेंट स्टॉक या फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डायरेक्टली पूछा जाएगा, अदरवाइज कमीशन के बारे में बोल देगा, कमीशन एक्सप्लेन करो किस बेस पे कैसे दिया जाता है और कितने टाइप्स के कमीशन हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके कंपलसरी है कंसाइनमेंट से। मतलब आपने अगर ये कंसाइनमेंट वाला टॉपिक अच्छे से किया तो 10 मार्क्स देखो आपको इधर हो जाएगा, 5 मार्क्स आपका इधर हो जाएगा, 15 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट्स प्लस सम्स को लेके हो जाएगा। और मैंने बताया क्वेश्चन नंबर वन में 10 to 12 मार्क्स तक का आपका हो जाएगा यहाँ पे। अभी आप ऐसा ट्राई मत करो कि चारों चैप्टर्स में अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, पहले आप टारगेट रखो जो चैप्टर कर रहा हूँ मैं अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूँ। मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स भी उसका कवर करूंगा एंड देन उसका MCQs। तो इजिली आप देखोगे 10 10 मार्क्स का, अगर 10 + 10 + 5 तो 25 to 27 का वेटेज आपका क्लियर हो जाता है अकाउंट्स पे। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की आपकी प्रैक्टिस करना है, फायर इंश्योरेंस क्लेम। फायर इंश्योरेंस क्लेम इसमें जो टाइप्स ऑफ सम पूछेंगे, अगर टाइप्स ऑफ सम की बात करोगे एक ही टाइप का, देखो 2 टाइप का सम है लेकिन आएगा एक ही टाइप तुम लोग को। कौन सा टाइप आता है, व्हेन स्टॉक रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल। जब भी अपने को स्टॉक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं रहेगा वो टाइप आएगा। अब जो स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किया रहेगा तो उनको पता रहेगा, सबसे फर्स्ट उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटिंग लॉस करते हैं, लास्ट में क्लेम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड बना के आप क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करो, मतलब स्टॉक ऑन
लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक अपना आता है वो फाइंड आउट करना रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ गया तो आगे का कॉन्सेप्ट इजी है, लॉस आप खुद से कंप्यूट कर सकते हो, क्लोजिंग क्लेम का तो फॉर्मूला है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स के लिए भी। तो इसमें दोनों टाइप जो पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यही वाले इसी बेस पे पूछे जाएंगे, तीस टाइप के जितने भी सम है, बहुत हार्ड सम, हार्ड लेवल के सम आपको प्रैक्टिस करना नहीं है, इजी लेवल वाले सम आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, इंश्योरेंस क्लेम का वही आएगा। तो 10 मार्क्स देखो इधर, 10 मार्क्स आपको इजीली यहां मिल जाएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एंड एवरेज क्लॉज, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 5 मार्क्स, ये दोनों थ्योरी अच्छे से शॉर्ट नोट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो ऑलरेडी आपका एनी टू कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो तो आपको चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनेंगे, तो टारगेट आप ये रख सके जा सकते हो कि मैं कंसाइनमेंट अकाउंट एंड फायर इंश्योरेंस क्लेम का शॉर्ट नोट्स पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो अदर जो ये नीचे दो दिख रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये दो टॉपिक के क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लिया तो। अगर इसकी बात करोगे देखो इधर कंसाइनमेंट में मैंने बोला कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक एंड कमीशन वाला कॉन्सेप्ट कर लेना है अच्छे से। एंड सेकंड अगर फायर इंश्योरेंस क्लेम की बात करूं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एंड एवरेज क्लॉज की बात कर रहा हूं, ये दो शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेने हैं तो आपके शॉर्ट नोट्स वाला कॉन्सेप्ट एकदम इजीली क्लियर होगा, अदर दो टॉपिक नहीं छूते हो तो। बट जिसका ये नहीं कॉन्सेप्ट हुआ रहेगा तो अदर टॉपिक से मैंने कन्वर्जन मेथड एंड डिपेंडेंट ब्रांच टॉपिक से क्वेश्चन दिया, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। बट अगर ये दोनों अच्छे से क्लियर आपका हुआ है तो ये दो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज लास्ट आपको 5 शॉर्ट नोट्स अच्छे से दिए हैं, प्रिपरेशन कर लेना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको क्या दिखेगा, ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट भी जैसे इस तरीके मैंने बताया, ब्रांच अकाउंट में भी क्या करना है आपको, जितने भी टाइप के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सम प्रैक्टिस करने का नहीं है, स्टार्टिंग जो 10-12 क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में है वही क्वेश्चन से ही आपको प्रैक्टिस करने, उसी क्वेश्चन में से आपके उसी बेस पे क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि 2016 से लेके 18 अदरवाइज 19 तक के जो भी पेपर है वो आप सॉल्व कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, ज़्यादा सम प्रैक्टिस भी नहीं होगा और आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं वो आपको वहाँ पे ऑलरेडी पता चल जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहा है, जो भी अकाउंट्स के क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको कमेंट में आप ऐड करोगे तो क्वेश्चन जो भी है, जैसे कंसाइनमेंट का आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो कंसाइनमेंट आप ऐड कर दोगे, कंसाइनमेंट या किसी भी टॉपिक का नहीं मिल रहा है ऑलरेडी उसका वीडियो, शॉर्ट वीडियो एकदम बना के मैं दे दूंगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और वही 3-4 सम प्रैक्टिस करके जाओ, सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर वाले इनफ हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मैंने बोला जो स्टूडेंट ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले करेगा, क्वेश्चन नंबर 5 पहले करेगा, ये दो क्वेश्चन आपका पासिंग का इशू नहीं रहेगा। दो क्वेश्चन पहले अच्छे से, दो टॉपिक अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड फायर इंश्योरेंस अकाउंट, दोनों का शॉर्ट नोट्स उसके साथ में एमसीक्यूज आपका कर लेना, तो 50 प्लस का आपका कॉन्सेप्ट हो गया एकदम क्लियर। उसके बाद ही आपको अदर टॉपिक का मतलब जैसे ब्रांच हो गया, अदरवाइज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया, उसके आपने सिर्फ पोस्टिंग सीख लिया, पोस्टिंग पार्ट भी कर लिया तो कुछ ना कुछ तो नंबर मार्क्स वहाँ पे मिल ही जाएगा। क्योंकि ये दोनों से अगर मैं इस दोनों टॉपिक को कंपेयर करता हूँ तो ये दोनों से मुझे हार्ड लगते हैं, बट पोस्टिंग आप कर सकते हो, दोनों टॉपिक में पोस्टिंग कर सकोगे तो पोस्टिंग का कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा एंड उसके एमसीक्यूज वाले पार्ट आप कर लेना। तो वहाँ पे एमसीक्यूज में आपके ऑलरेडी दो टॉपिक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, दो अगर आपका नहीं पॉसिबल है, टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट जितना पॉसिबल आपसे हो पाता उतना आप प्रैक्टिस करके आओ। तो इस तरीके से आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे तरीके से, मैंने बोला ज़्यादा सम से फोकस नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के 4-5 क्वेश्चन इनफ है, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी भी टॉपिक में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स जितना आपको पता है उतने इनफ हो जाते हैं शॉर्ट नोट्स, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जितना पता है जिस वे में बताए उतना ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट्स का भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, इससे पहले हम लोग ने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अपना इन्वायरमेंटल स्टडीज सब टॉपिक पे वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने बना दिया था एंड इकोनॉमिक्स का रिवीजन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया था। जैसे जिस स्टूडेंट को बोला था इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए बोला गया था कॉन्टैक्ट नंबर पर, आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको वो नंबर पर जो भी आपका जितना भी नोट्स मेरे से पॉसिबल हो पाए इकोनॉमिक्स का वो मैंने शेयर किया ऑलमोस्ट सब बच्चों को। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैंने जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में ऐड करोगे तो नेक्स्ट उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा।
रहेगा। तो मैथ्स का भी ऑलरेडी मैंने अच्छे से बताया था किस वे में आपको प्रिपरेशन करना है, कितने टॉपिक्स आपको करने, लिमिटेड टॉपिक्स में अच्छा मार्क्स अपने को लाना है। कुछ टॉपिक्स वहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करवाए थे, मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिस करवाया था ऑलमोस्ट, कुछ कॉन्सेप्ट पूरा भी नहीं हुआ बट कुछ कॉन्सेप्ट हुआ। इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट हमने हर वीडियो मतलब ऑलमोस्ट 13 लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हम लोग ने ट्राई किया मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग ने कवर कर लिया था, स्टूडेंट्स को नोट्स भी शेयर कर दिया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।